मैं डिस्कशन करूंगा एसडीएम के बारे में। 9 देखते हैं आगे की ओर। तो 9 में सबसे पहले उनका सैलरी से स्टार्ट करता हूँ। 9 एसडीएम का एसडीएम अधिकारी का वेतन ग्रेड पे 5400 के अनुसार दिया जाता है। 9 उनका न्यूनतम वेतन 53100 रुपये है और 67700 रुपये तक हो सकता है। 9 अधिकतम वेतन का बात करें गाइस तो 1,03,314 रुपये भी हो सकता है। ये तो सिर्फ वेतन है, 9 वेतन के साथ भी बहुत कुछ प्रोवाइड किया जाता है गाइस। मतलब इनके अलावा ये मैं बताऊं, अगर 1,00,000 वेतन है तो अप्रोक्स आप लोगों को अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो करीब 1,50,000 रुपया मिलेगा। इस चीज़ को याद रख लें। यहाँ पे कितना है, 53,100 है ना, तो यहाँ पे आप लोग समझ लें 55,000-56,000 रुपये या 57,000 रुपये आप लोग को, मतलब जो भी आपका सैलरी, ये तो सैलरी है, सैलरी के अलावा बहुत कुछ जोड़ जाड़ के यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। मतलब 53,000 है तो आप समझ सकते हैं 5 या 6% एक्स्ट्रा आप जोड़ के समझ जाएंगे वो कुछ आपका सैलरी हो जाएगा। ये तो कुछ आपका सैलरी हो गया। नौ हम बात करें एसडीएम अगर आपको एसडीएम ऑफिसर बनना है तो उनके लिए क्या क्या करना है। बेसिकली आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नौ इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे तो प्री मेंस और इंटरव्यू, ये आप लोगों को 3 एग्जाम से गुजरना पड़ता है। देन आप फाइनली एक क्या हो सकते हैं, एक एसडीएम के लिए आप अप्लाई, मतलब एसडीएम के पोस्ट पे आप जा सकते हैं गाइस। इनका एग्ज़ाम होती है, मैं आपको बता दूँ ये राज्य सरकार के अंतर्गत, आप देखते होंगे कि अभी देखते होंगे झारखंड में आई है आप लोग का, तो वहाँ भी 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। तो ये आपको एग्ज़ाम 3 कैटेगरी में बटा होगा, प्री मेंस एंड इंटरव्यू। प्री का कोई वैल्यू नहीं होता है देन, क्योंकि प्री सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, यहाँ पे मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो ये कुछ होना चाहिए, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी यहाँ पे जा सकते हैं गाइस। तो ये तो कुछ आप लोग का एग्ज़ाम, तो वहाँ भी कुछ ऐसे ही है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू है। नौ एसडीएम बनने की आयु सीमा कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एसडीएम बनने की आयु सीमा यहाँ पे लिखा है, सभी अभ्यर्थियों से न्यूनतम आयु 21 ईयर होना चाहिए और अधिकतम आयु 40 साल होना चाहिए। और यही एसटी एससी ओबीसी है तो 45 वर्ष और पीडब्ल्यूडी है तो उनके लिए 55 साल तक का निर्धारित किया गया अभ्यर्थी के, तो कुछ इतना आप लोग के पास आयु होना चाहिए। नौ अगला है एसडीएम का, मैं अगर बात करूँ कार्य के बारे में तो एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। यहाँ पे देख सकते हैं एसडीएम का कुछ सामान्य जिम्मेदारी कि जो इस प्रकार है, राजस्व कार्य मतलब राज्य का जितना भी कार्य है, चुनाव कार्य मतलब जो भी इलेक्शन वगैरह होता है, वाहन का पंजीकरण जो भी आप देखते होंगे, वाहन जो भी होता है उनका एक डीटीओ के अंतर्गत आता है, मतलब उन सारा का जिम्मेदारी एसडीएम के पास होता है। विवाह का पंजीकरण, विवाह पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, शास्त्र लाइसेंस जारी करना और नवीनीकरण करना, और एसटी ओबीसी के प्रमाण पत्र जारी करना आदि। एसडीएम अपराध के एवं संहित 1777 में कई अन्य नवाली कृपया, देखो गाइस ये सब जो लिखा है ना इनके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो एसडीएम का काम होता है अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, अगर एसडीएम है तो वो कई प्रकार के वो काम कर सकते हैं, वो मतलब हर वो जैसे एक डीएम होता है ना, मजिस्ट्रेट होता है, बस एक उन्हीं का एक पार्ट्स मान लें, ठीक है। वो भी हर वो सेक्टर पे ध्यान दे सकते हैं, तो इसी तरह एसडीएम भी होता है तो एक अनुमंडल में होता है गाइस, वो भी एक हर वो सेक्टर में वो उनका जिम्मेदारी है और पूरा तरीका से शांति एवं कायम कंट्रोल करके रखना होता है अपने अनुमंडल के क्षेत्र में, चाहे जो विभाग होता है वो सारे विभाग को देखता है गाइस। तो ये तो एसडीएम का कार्य हो गया। नौ यहाँ पे आप देख सकते हैं एसडीएम हिंदी में, यहाँ पे एसडीएम के बारे में लिखा है जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करें एसडीएम कौन होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं कि फुल फॉर्म में एसडीएम सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या उप जिला अधिकारी होता है। यह पद डीएम की तरह ही होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था एसडीएम एक उच्च पद है, एक सरकारी अधिकारी का होता है जिसके द्वारा बहुत से सरकारी कार्य को किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि सारा काम देख सकता है। एसडीएम की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है और बहुत सी नौजवान एसडीएम बनने की चाहत रखते हैं, जाहिर सी बात है आप चाहत रखते हैं इसीलिए आप देखते भी, वो एसडीएम बनने की तैयारी भी करते हैं लेकिन कम जानकारी के वजह से वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर एसडीएम बनना चाहते हैं तो आप एसडीएम क्या क्या होता है, तो फुल फॉर्म एसडीएम कैसे बने, इनका महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, हालांकि ये मुझे पॉली स्लाइड में बताना चाहिए था बट मैं आपको पॉली स्लाइड में नहीं बताया था, गैस मैंने उल्टा चला था। तो ये तक कुछ था एसडीएम कौन होता है, तो ये देख ही लिए एक डीएम की जैसे ही होता है बेसिकली। और यहाँ पे आपका एसडीएम के बारे में कुछ कुछ लिखा है जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस। और ये तो कुछ रहा, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है एसडीएम के बारे में तो बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई थोड़ा लेट दूंगा गाइस। आज के लिए यही है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।